हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मास्टर क्लास। तो क्लास ट्वेल्थ में जो हम लोग फिजिक्स में फर्स्ट चैप्टर दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फील्ड्स एंड चार्जेस में जो सीरीज चल रही है, उसी में आगे एक और डेरिवेशन करने वाले हैं। दैट डेरिवेशन इज बेसिकली व्हाट द टॉर्क, मतलब किसी डायपोल को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए तो उस पर टॉर्क लगेगा, मतलब घुमाना इफेक्ट जब उस पर लगेगा तो किसका फॉर्मूला क्या होगा या उसकी वैल्यू क्या निकल के आएगी, उसे किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, दैट वी आर गोइंग टू सी इन टूडेज लेक्चर, है ना। आइए तो फटाफट हेडिंग लगाते हैं। हेडिंग क्या है? टॉर्क, टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक डायपोल व्हेन प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक That electric field is in a uniform electric field. तो टॉर्क है ना, टॉर्क की बात कर लेते हैं। बेसिकली अगर बहुत ध्यान से आप देखो तो यहां पर टॉर्क की बात करी गई है, ना कि फोर्स की बात करी है। और किस पे बात करी गई? इलेक्ट्रिक डायपोल पे। मतलब कि अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी इलेक्ट्रिक डायपोल को रख दिया जाए। लेट अस से ये यहाँ पर जो चार्ज है वो माइनस क्यू है, यहाँ पर जो चार्ज है वो प्लस क्यू है। तो हमें पता है कि ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इस पर फोर्स लगेगा। सपोज कीजिए दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पॉजिटिव चार्ज, हमेशा बताया मैंने कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज मूव्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और वो क्यों उस डायरेक्शन में जाता है? क्योंकि उस पे फोर्स लगता है उस डायरेक्शन में। उस फोर्स की वैल्यू क्या होती है? F is equal to QE, है ना? F is equal to QE. कैसे पता? तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला पता है, दैट इज फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो यहां से हमें फोर्स क्या मिलेगा? F is equal to QE. तो ये तो बच्चों वाली बात हो गई सर, बिल्कुल हमें पता है, है ना। इसके जस्ट अपोजिट यहां पर फोर्स लगेगा, और वो फोर्स की वैल्यू क्या होगी? F is equal to minus QE. These are the two forces. Those are equivalent opposite forces. है ना? क्या है? Equivalent opposite forces. अब बात यहाँ पे ये आती है कि सर यहाँ पे फोर्स तो लग रहा है और उसके कारण बेसिकली फोर्स है ना? क्या है? फोर्स। तो एक रोटेशनल फोर्स है जिसे हम नाम देते हैं टॉर्क का। क्या नाम देते हैं? टॉर्क का। और दूसरा ट्रांसलेशनल फोर्स होता है। ट्रांसलेशनल क्या चीज? ट्रांसलेशनल फोर्स। और जो कि हमारे पास में जिसे दूसरा नाम होता है लीनियर फोर्स भी, इसे हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लीनियर फोर्स। तो ये जो आप दो कपल्स देख रहे हो ना, ये कपल्स है ना, कपल्स हैं। क्या है? कपल्स है। तो ये जो कपल्स जो है, ये फोर्स, ये ट्रांसलेटरी फोर्स है ना। क्या है? ट्रांसलेटरी फोर्स है। मगर ये ट्रांसलेटरी फोर्स एक डायपोल के लिए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जीरो होते हैं। ट्रांसलेटरी फोर्स क्या होते हैं? क्योंकि ये फोर्सेस क्या है? ये फोर्स इक्वल एंड अपोजिट है। तो क्या कर देंगे? एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस है, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। मगर इन दोनों फोर्सेस के कारण जो इम्पैक्ट क्रिएट हो रहा है, वो इम्पैक्ट कैसा क्रिएट हो रहा है? रोटेशनल इम्पैक्ट क्रिएट हो रहा है। कैसा हो रहा है ना? तो ये इलेक्ट्रिक, बेसिकली आप देखो ये इलेक्ट्रिक डायपोल इसी जगह पे रहेगा, ये ऐसा मूव नहीं होगा। जब इसे इलेक्ट्रिक फील्ड में जब आप रखोगे किसी एंगल थीटा पे इसे आपने इसे रख दिया इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो ये ऐसा मूव नहीं होगा ट्रांसलेशन, है ना। ना ऐसा मूव हो रहा है। ये कैसा मूव होता है? ये घूमना चालू कर देता है। तो ये घूमना क्यों चालू कर दे रहा है? क्योंकि ये जो दो फोर्सेस हैं, ये कपल्स की तरह एक्ट कर रहे हैं, और ये कपल्स इक्वल एंड अपोजिट हैं, तो इनके कारण रोटेशनल मोशन क्रिएट हो रहा है। तो इसलिए टॉर्क की बात की जाती है, कि केवल टॉर्क निकालने की बात की जाती है। ये फोर्सेस, ऐसा आपको नहीं बोला जाता कि आप ट्रांसलेटरी फोर्सेस निकालें, है ना। या ये बॉडी, ये ना हमने ये भी पढ़ा है कि कहीं बुक में भी हमने नहीं पढ़ा कि ट्रांसलेटरी मोशन डायपोल कर रहा है। इसका रीजन यही है ना, क्योंकि ये फोर्सेस कैंसिल कर देंगे, मगर इनके कारण एक रोटेशनल इंपैक्ट क्रिएट होता है और ये घूमना चालू कर देता है। और इसलिए जो फोर्स हमें कैलकुलेट करना है, वो रोटेशनल फोर्स मतलब इस टॉर्क को कैलकुलेट करना, इसलिए टॉर्क की बात। तो आते हैं, टॉर्क की बात करते हैं।
किसी एंगल थीटा पर इसे रख दिया। अगर हम बात करें टॉर्क की, किसकी, हमें कैलकुलेट करना है टॉर्क की, तो टॉर्क हमें पता है टॉर्क होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स, फोर्स मतलब इन फोर्सेस में से कोई भी एक फोर्स आप ले लीजिए, तो वो फोर्स मैग्नीट्यूड की बात करेंगे केवल, मैग्नीट्यूड की, इसकी मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड ऑफ एनी फोर्स दैट इज क्यूई है ना इनटू, अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप देखो अगर इस फोर्स की बात करेंगे तो इस फोर्स के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस लाइन ऑफ एक्शन कुछ इस तरीके से होनी चाहिए। ये सपोज कीजिए ये पॉइंट सेंटर का ओ है, ये आपके पास में ए है, ये आपके पास में बी है, ये सी है ना, मेरी बात समझ में आ रही है ना। तो आप देखिए कि ये अगर थीटा तो करस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी से ये भी थीटा है ना, ये अगर थीटा एंगल बना रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में, डायपोल एक्सिस जो एंगल बना रही है वो थीटा बना रही है, और अगर हम एक परपेंडिकुलर इस तरीके से ड्रॉ करें, इसे बैकवर्ड एक्सटेंड करें, तो यहाँ पे पॉइंट सी मिलेगा। पॉइंट ये दिस लाइन ए सी इज बेसिकली द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फॉर द फोर्स दिस वन एफ इज इक्वल टू क्यू ई। ये जो ए सी लाइन है ये परपेंडिकुलर मतलब क्या 90 डिग्री का एंगल बना रही है यहाँ पर, हाँ किसके लिए, इस फोर्स के लिए, एफ इज इक्वल टू क्यू ई, दिस इज द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ दिस फोर्स। तो इस फोर्स के साथ में कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का, और वो कौन बना रहा है, दिस परपेंडिकुलर लाइन इमेजिनरी लाइन है ए सी, क्या है ए सी। तो बेसिकली अगर हम बहुत अच्छे से बात करें तो अगर एफ इज इक्वल टू क्यू ये कंसिडर किया तो उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा बेटा, ए सी, क्या होगा, ए सी होगा। अब अगर ए सी है तो ए सी की वैल्यू कितनी है देखेंगे, ए सी की वैल्यू देखिए ट्रिग्नोमेट्री में हमने पढ़ा हुआ है, अगर ये ट्रिग्नोमेट्री है तो मुझे पता है कि बेसिकली साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा, साइन थीटा, अगर ये थीटा हम कंसिडर कर रहे हैं तो फॉर द ट्राइंगल ए बी सी, अगर हम ट्राइंगल ले लें ए बी और सी, फॉर ट्राइंगल ए बी सी, फॉर ट्राइंगल ए बी सी साइन थीटा इज इक्वल टू बेसिकली परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर थीटा के सामने परपेंडिकुलर ए सी, ए सी, और हाइपोटेनियस क्या है बेटा, ए बी। अब ये ए बी क्या है, ए बी क्या है, तो क्या ए बी जो है ये डायपोल लेंथ है, और ये डायपोल लेंथ कितनी होती है 2L, तो क्या इसे 2L लिख सकते हैं, यस सर। तो ए सी की वैल्यू क्या निकल के आएगी, इस 2L का मल्टीप्लाई इधर कर देंगे तो 2L साइन थीटा इज इक्वल टू ए सी, दिस इज इक्वेशन वन, दिस इज इक्वेशन टू, वैल्यू पुट कर देंगे फ्रॉम इक्वेशन वन इंटू इक्वेशन वन, फ्रॉम इक्वेशन टू टू इक्वेशन वन, और हमें क्या मिल जाएगा, क्यूई इंटू ए सी मीन्स 2L साइन थीटा। और इसे थोड़ा अरेंज करें तो हमने इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट पढ़ा, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट मतलब T मतलब Q 2L है ना, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट दैट इज P, और उसका फॉर्मूला क्या होता है, Q 2L। तो Q 2L यहां पे देखने को मिल रहा है, Q 2L, Q 2L, तो ये से रिप्लेस कर सकता हूं P से, तो यहां पे कितना आ जाएगा, P इंटू P E साइन थीटा, पीई साइन थीटा, पी साइन थीटा। अच्छा इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट तो इसमें भी है, तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन भी होता है क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है ना भाई साहब, वेक्टर क्वांटिटी, तो वेक्टर क्वांटिटी है तो उसका डायरेक्शन कैसा होता है, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, किसकी बात कर रहे हैं, पी की, पी इज अ वेक्टर एंड द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल इज फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी, 11th क्लास में हमने पढ़ा टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी है टॉर्क, इसका वेक्टर फॉर्म लिखेंगे तो टाउ वेक्टर इज इक्वल टू पी साइन थीटा, तो पी साइन थीटा इसका मतलब पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर है ना, पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। अब पी क्रॉस ई है, क्या है, पी क्रॉस ई, तो बेसिकली अगर बहुत ध्यान से देखें तो द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक, द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क, द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क इज कहां पे होगा भाई, टॉर्क का डायरेक्शन कहां होता है, द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क विल बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, से लिख लीजिए यहां पे कि डायरेक्शन
डायरेक्शन ऑफ टॉर्क, डायरेक्शन ऑफ टॉर्क विल बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, दैट इज मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं यहां पे, कंटेनिंग पी एंड ई. तो ये टॉर्क हो गया. क्या हो गया? टॉर्क. हमारे पास में ये जो फॉर्मूला है और फॉर्मूला क्या है? पी साइन थीटा. वेक्टर फॉर्म आपने लिख ली, ये फॉर्मूला हमारे पास में पी साइन थीटा. अब इसके अलग अलग केसेस की बात कर लेते हैं. पहला केस आपसे बोल रहा है लेट अस से दैट थीटा इज इक्वल टू जीरो. पहला केस हमने लिया, थीटा जीरो है. मतलब ये थीटा, देखो बहुत ध्यान से, ये जो थीटा है डायपोल है इलेक्ट्रिक डायपोल में इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में जो एंगल बनाया, दैट इज थीटा. ये थीटा जीरो हो गया. इसका मतलब आपने क्या किया, इस डायपोल को आपने अलाइन कर दिया अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. कैसा कर दिया? अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. मतलब ये कुछ ऐसा था, इसे ऐसा कर दिया. किनने कर दिया? ड्यू टू दीज फोर्सेस. ये फोर्सेज यही काम करते हैं, है ना. टू, व्हाट इज द वर्क ऑफ दीज टू फोर्सेस, इज टू अलाइन द इलेक्ट्रिक डायपोल अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. सो नाउ लेट अस से दिस इलेक्ट्रिक डायपोल इज अलाइन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. भाई साहब ऐसा कर दिया, है ना, इन दोनों फोर्सेस में जीरो हो गया. तो अगर हम टॉर्क की बात करें तो घूमेगा क्या? एक फोर्स इस कंडीशन में अगर आ गया तो एक फोर्स उस तरफ और एक फोर्स इस तरफ, दोनों ऐसे खींच रहे हैं, तो क्या घूमेगा? क्या? बिल्कुल नहीं घूमेगा, बिल्कुल ऐसे ही रहेगा. तो टॉर्क क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा. अगर फील की हम बात करें तो टॉर्क जीरो हो जाएगा, घूमेगा ही. एक उस तरफ खींच रहा है, किस तरफ खींच रहा है, बिल्कुल ऐसा, है ना. तो जीरो. क्या चीज? जीरो. यहां पर देख लेते हैं. तो आपके पास में फॉर्मूला क्या है टॉर्क का? टॉर्क का फॉर्मूला है टाउ इज इक्वल टू पी साइन थीटा. पी साइन थीटा इट मींस टाउ इज इक्वल टू पी एंड साइन जीरो डिग्री, और साइन जीरो की वैल्यू जीरो होती है. तो क्या टॉर्क भी जीरो हो गया? टॉर्क भी जीरो हो गया. तो ये चीज तो हमने कैलकुलेशन से भी देख ली कि टॉर्क तो जीरो होता है जब थीटा जीरो होता है. क्या होता है? थीटा जीरो होता है. सर एक और केस की बात करते हैं. अब हमने कर लिया थीटा. सेकेंड, दिस वन इज द फर्स्ट केस. सेकेंड केस. तो सेकेंड केस की जब बात करते हैं, सेकेंड केस आप ले रहे हैं थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री. थीटा हमने ले लिया 90 डिग्री. 90 डिग्री मतलब ऐसा. नाउ द इलेक्ट्रिक डायपोल इज परपेंडिकुलर. इलेक्ट्रिक डायपोल कैसा है? ऐसा, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स के परपेंडिकुलर हो गया डायपोल इस तरीके से, और 90 डिग्री का एंगल बना रहा है. उस कंडीशन में क्या होगा? मैक्सिमम टॉर्क अप्लाई होगा. मैक्सिमम टॉर्क, फुल फोर्स. ऐसा हो गया भाई साहब, ऐसा कुछ इस तरीके से. तो एक फोर्स इस तरफ खींचेगा बहुत तेजी से, दूसरा फोर्स उस तरफ खींचेगा बहुत तेजी से. तो मैक्सिमम टॉर्क मिलेगा आपको 90 डिग्री पे. तो मिलना चाहिए, फीलिंग के साथ देखा तो यहां पे भी मिलना चाहिए. तो लिखिए टॉर्क इज इक्वल टू पी साइन 90. और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है? 1. तो बेसिकली टॉर्क इज इक्वल टू पी, ये जो वैल्यू है दिस टाउ इज इक्वल टू पी. और हमें पता है कि साइन की जो वैल्यू होती है मैक्सिमम वो 1 होती है. तो साइन की मैक्सिमम वैल्यू आपको कब मिल रही है? 90 डिग्री पे. इसलिए टॉर्क भी कब मिलेगा? 90 डिग्री पे. इसलिए क्या है ये टॉर्क? मैक्सिमम है. क्या है टॉर्क? मैक्सिमम. अच्छी बात है सर. नेक्स्ट कंडीशन. नेक्स्ट अब हम ले लेते हैं थीटा जो है वो 180 डिग्री का है. केस थ्री. और केस थ्री क्या है? थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री. थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री. अब 180 डिग्री का मतलब क्या हो गया? 180 डिग्री का मतलब ये हो गया कि आपने ये जो ऐसे रखा हुआ था या ऐसे रखा हुआ था, इसे घुमा के पूरा यहां पे आए. मतलब ये पॉजिटिव क्यू चार्ज जो है वो जस्ट अपोजिट आ गया पूरा इस तरीके से. यहां
और ये जो नेगेटिव चार्ज है वो यहां पर आ गया इस तरफ, इस तरीके से। अब भाई साहब क्या होगा, इस कंडीशन को बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, है ना, इस कंडीशन को बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। दिस कंडीशन इज कॉल्ड अनस्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो अगर क्वेश्चन में आए दैट द इलेक्ट्रिक डायपोल, क्वेश्चन में अगर ऐसा आता है दैट द इलेक्ट्रिक डायपोल इज मूव्ड फ्रॉम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम टू द स्टेबल इक्विलिब्रियम, टू द स्टेबल इक्विलिब्रियम, तो क्या समझेंगे? पहली बात तो ये समझेंगे कि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम मतलब कि जो थीटा है वो कितना है, 180 डिग्री। अब इस कंडीशन में बात करते हैं टॉर्क क्या होगा। हमें पता है टॉर्क इज इक्वल टू पी साइन थीटा होता है, थीटा हमारा 180 डिग्री है, तो 180 डिग्री मतलब कितना हो जाएगा, साइन जीरो, अगर साइन जीरो यहां है पूरा थीटा घूम के जाएगा इस तरफ, तो ये क्या हो गया, साइन 180 हो गया, है ना, 180 हो गया, मतलब ये वैल्यूज नेगेटिव में जाएगी। तो अगर हम हमारे पास में अगर पी साइन जीरो जीरो होता है तो 180 भी क्या होगा, जीरो हो जाएगा, और यहां भी टॉर्क आपको क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन है। स्टेबल इक्विलिब्रियम कब आता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम आता है जब व्हेन यू आर हैविंग थीटा, व्हेन थीटा इज इक्वल टू जीरो डिग्री देन टॉर्क इज इक्वल टू जीरो। मतलब कि ये जो आपके पास में डायपोल है, इलेक्ट्रिक डायपोल है, पहले केस की बात कर रहे हैं जब थीटा जीरो था, वो कंडीशन आपकी स्टेबल इक्विलिब्रियम कहलाती है। क्या कहलाती है, स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है, कब मैक्सिमम टॉर्क मिलता है, टॉर्क ही क्यों कैलकुलेट करते हैं, ट्रांसलेटरी मोशन क्यों नहीं कैलकुलेट करते हैं, या फोर्स क्यों नहीं कैलकुलेट करते हैं उसका, या ट्रांसलेटरी फोर्स क्यों नहीं कैलकुलेट करते हैं, टॉर्क ही क्यों कैलकुलेट करते हैं, ये हमने इस पर्टिकुलर डेरिवेशन में देख लिया, है ना। तो अब सेम डेरिवेशन पे बेस्ड न्यूमेरिकल हम लोग देखते हैं फटाफट, आज एक न्यूमेरिकल करेंगे इसी पे बेस्ड, है ना। पहले न्यूमेरिकल लिखेंगे, चलिए। तो न्यूमेरिकल क्या है, न्यूमेरिकल है एन इलेक्ट्रिक डायपोल हैविंग डायपोल मोमेंट दैट इज 4×10⁻¹ कूलम मीटर प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज 5×10⁴ न्यूटन पर कूलम एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री फाइंड टॉर्क। तो बहुत ही बच्चे न्यूमेरिकल है और इसीलिए हम बच्चे न्यूमेरिकल को जल्दी से खत्म करेंगे। बेसिकली क्या दिया हुआ, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट मतलब हमें पी गिवन है, और पी कितना गिवन है, 4×10⁻¹ कूलम मीटर, अच्छी बात है। प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी दी हुई है, इज इक्वल टू 5×10⁴ न्यूटन पर कूलम, अच्छी बात है। एट एन एंगल थीटा कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री फाइन टॉर्क, टॉर्क निकालना है। फॉर्मूला हमारे पास में क्या होता है, टॉर्क इज इक्वल टू पीई साइन थीटा। तो यहां पे पी कितना है हमारे पास में, 4×10⁻¹ ई कितना है, 5×10⁴ और साइन 30 डिग्री, और साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, यहां पे देखो 5×4=20, तो 20×10⁻¹ 10⁴ क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, 10⁻¹ आएगा। साइन 30 की वैल्यू 1/2, इस 2 ने इस 20 में से 2 को कैंसिल कर दिया, ये हमारे पास में 10 है, 10⁻⁴ टॉर्क आएगा। और टॉर्क की यूनिट क्या होती है, टॉर्क की यूनिट की हम लोग बात करें तो बेसिकली हमारे पास में यूनिट क्या जाएगा भाई, पीई साइन थीटा। पीई के लिए क्या होता है, पी की बात करें, पी के लिए क्या होता है, पी के लिए क्या होता है, कूलम मीटर, और इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए न्यूटन पर कूलम, है ना, यही होता है। अरे बहुत अच्छे से देखें अगर, तो पीई है, पी के लिए मतलब इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के लिए कूलम मीटर, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए न्यूटन पर कूलम, तो कूलम ने कूलम को कैंसिल कर दिया, ये क्या आ गया, 10⁻⁴ मीटर और न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर। तो ये आपका आंसर है, दिस इज द आंसर, है ना। चलिए तो आई होप ये न्यूमेरिकल भी समझ में आया होगा, बच्चों सा न्यूमेरिकल है। अब हम लोग नेक्स्ट डेरिवेशन देखेंगे, और नेक्स्ट डेरिवेशन इज
बेसिकली वर्क डन है ना, कि कितना काम किया जाएगा अगर किसी इलेक्ट्रिक डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रोटेट किया जाए, है ना। रोटेशन कर रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है टॉर्क हो रहा है, तो क्या टॉर्क के साथ में उस पर कोई वर्क डन भी तो करना पड़ रहा है, वो वर्क डन कितना करना पड़ रहा है, दैट डेरिवेशन वी आर गोइंग टू डू। आइए फटाफट आइए, जैसे कि डेरिवेशन करने वाले हैं, और डेरिवेशन क्या है, वर्क डन इन रोटेटिंग इलेक्ट्रिक डायपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, इलेक्ट्रिक डायपोल रखा हुआ है, यहाँ पे हम जो कंडीशन लेके चल रहे हैं वो कंडीशन हम लेके चल रहे हैं कि लेट अस से कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर ये क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने डायपोल रख दिया, क्या रख दिया डायपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड है सर, डायपोल रख दिया आपने, और डायपोल ऐसा रखा हुआ है, और ये ले लिया माइनस क्यू, ये ले लिया प्लस क्यू, ऑब्वियसली बात है इस पे फोर्स लगेगा, और फोर्स लगेगा एफ इज इक्वल टू क्यू ई, और यहाँ पे जो फोर्स लगेगा दैट इज एफ इज इक्वल टू माइनस क्यू ई, और हमें पता है इसी के कारण ये रोटेट करेगा। वर्क डन बेसिकली कब करना पड़ेगा, वर्क कब करना पड़ेगा, है ना, अगर आप खुद देखें है ना, तो इन रोटेटिंग इलेक्ट्रिक डायपोल तो वर्क डन करना पड़ेगा, माना कि इनिशियली इसका जो एंगल है वो थीटा वन है, और इसे किसी और एंगल से और रोटेट कर दिया यहां पर, और यहां पर लेकर के आ गए, है ना, समझिएगा ध्यान से, तो क्या यहां पे अब एंगल हो गया इसका थीटा टू, तो हम इसे क्या कर रहे हैं बेसिकली वर्क डन करा रहे हैं, और ये वर्क डन किस तरीके से आएगा, लेटेस्ट से कि जो वर्क डन है वो बहुत छोटा वर्क डन करना पड़ रहा है ना, वेरी स्मॉल वर्क डन वी आर डूइंग फॉर डूइंग द डिस्प्लेसमेंट, जो डिस्प्लेसमेंट हम लोग कर रहे हैं बहुत छोटा, ये थीटा वन से थीटा टू गया दैट्स इट, बट इसको करने के लिए तरीका क्या है, आप कोई वर्क डन कर रहे होंगे और थीटा वन से थीटा टू तक लेकर के आ रहे होंगे, हमारे पास में कैलकुलेशन का सबसे बड़ा अस्त्र है इंटीग्रेशन, उसी का हम लोग यूज करेंगे, प्रोसेस उसी तरीके से करेंगे। हमने पहले मान लिया दैट वी आर गोइंग टू डू द वर्क डन फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, तो यहां पे हम लिखेंगे वर्क डन फॉर स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लिखूंगा मैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और वो क्या है डी थीटा, तो वर्क डन भी कितना हो जाएगा डी डब्ल्यू, तो वर्क डन बेसिकली हम बात करें तो वर्क डन डी डब्ल्यू, वर्क डन होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर के केस में जो वर्क डन हो जाएगा वो हो जाएगा टॉर्क इंटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो टॉर्क इंटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मतलब टॉर्क इंटू एंगुलर डी थीटा, कितना डी थीटा, है ना। टॉर्क के केस में अगर हम बात करें तो टॉर्क क्या था, टॉर्क था डी डब्ल्यू इज इक्वल टू पीई साइन थीटा, क्या यही था, है ना। तो जैसा कि हमने स्मॉल इंटीग्रेशन की बात करी कि अगर हमें टोटल निकालना है तो हम लोग जो बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट या टूल हमारे पास में दैट इज टू यूज इंटीग्रेशन इन ऑर्डर टू फाइंड द टोटल, तो इंटीग्रेशन वी आर गोइंग टू डू, इंटीग्रेशन किसका टोटल डिस्प्लेसमेंट, और टोटल डिस्प्लेसमेंट कहां से जा रहा है थीटा वन से थीटा टू, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, है ना, टू फाइंड टोटल डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम थीटा वन टू थीटा टू, थीटा वन टू थीटा टू, है ना। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन कहां से जा रहा है थीटा वन से थीटा टू जा रहा है, और किसका कर रहे हैं डी डब्ल्यू का, तो डी डब्ल्यू की वैल्यू यहां पे क्या है दैट इज पीई साइन थीटा डी थीटा, तो पीई कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा, पीई विल कम आउट, दिस डी डब्ल्यू ये छोटा डी डब्ल्यू बड़ा डब्ल्यू बन जाएगा, क्या बन जाएगा बड़ा डब्ल्यू, है ना, क्या बन गया बड़ा डब्ल्यू, और यहां पे क्या आ जाएगा बेटा पीई बाहर आ जाएगा, और पीई जब बाहर आ जाएगा तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस थीटा, क्या होता है माइनस कॉस थीटा,
और ये लिमिट्स लिमिट्स रखेंगे, क्या रखेंगे, लिमिट्स रखेंगे, और लिमिट्स क्या है, थीटा वन लोअर, अपर लिमिट थीटा टू, और उसके बाद में हमें पता है सर क्या करते हैं, हाँ क्या करते हैं, W इज इक्वल टू दैट इज पीई अपर लिमिट दैट इज माइनस कॉस थीटा टू माइनस माइनस ऑफ माइनस कॉस थीटा वन ऑफ माइनस कॉस थीटा वन, बिल्कुल बच्चों वाली चीज कर रहे हैं। तो W इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, पीई माइनस माइनस प्लस, तो हम लिख सकते हैं कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू माइनस कॉस थीटा टू। सो दिस इज बेसिकली द वर्क डन, क्या है वर्क डन है किसी भी एंगल पे, है ना, चाहे वो स्टेबल हो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन हो। जनरली हम जो फॉर्मूला यूज करने वाले हैं कि तो आपने निकाल दिया, हम ये मान के चलेंगे डेरिवेशन के अंदर दैट आवर इलेक्ट्रिक डायपोल इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम में अगर होगा, इन आवर केस इफ वी आर कंसिडरिंग सी if dipole is in stable equilibrium, dipole किस condition में, stable equilibrium में, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम में हम लोग क्या कंडीशन अज्यूम करते हैं, थीटा वन विल बी इक्वल टू जीरो, थीटा वन क्या होगा, जीरो हो जाएगा स्टेबल इक्विलिब्रियम में। इसका मतलब ये हो गया कि डायपोल क्या है, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है इनिशियली, तो थीटा वन जीरो हो गया, थीटा टू तो कुछ भी हो सकता है। तो वी आर हैविंग दिस फॉर्मूला, सो हम क्या लिख सकते हैं, सो जो वर्क डन हो जाएगा डब्ल्यू वो क्या हो जाएगा, पीई कॉस थीटा वन, cos theta 1 is what? 0, तो cos 0 की वैल्यू 1, तो cos 0 की वैल्यू 1, तो फॉर्मूला क्या आपके पास में, 1 माइनस cos theta, अगर किसी भी एंगल पे जा रहा है ना, लेट अस से दिस theta 2 इज theta, तो फॉर्मूला क्या हुआ, W इज इक्वल टू PE 1 माइनस cos theta, वहां से ये फॉर्मूला है जो हम यूज करेंगे न्यूमेरिकल्स वगैरह में, दैट इज W इज इक्वल टू PE 1 माइनस cos theta इज द formula to find the work done while rotating the electric dipole, है ना, चलिए तो इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल भी देख लेते हैं, है ना, आइए तो न्यूमेरिकल अब जो हमारे पास में वो न्यूमेरिकल क्या है, an electric dipole of dipole moment 2 into 10 to the power minus 8, क्या दिया है, 2 into 10 to the power minus 8 कूलम मीटर is turned from position ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ध्यान से देखिए कहां से कहां टर्न कर रहे हैं, फ्रॉम वेयर वी आर टर्निंग दिस इलेक्ट्रिक डायपोल इज द पोजिशन फ्रॉम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम टू द स्टेबल इक्विलिब्रियम, कहां से, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम से स्टेबल इक्विलिब्रियम में लेके आ रहे हैं, इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ 10 टू द पावर 3 न्यूटन पर कूलम, 10 टू द पावर 3 न्यूटन पर कूलम दिया हुआ है, वी हैव टू फाइंड आउट वर्क डन। नाउ when we are rotating डायपोल एट दैट टाइम वी आर डूइंग वर्क डन, एंड वर्क डन का फॉर्मूला क्या था हमारे पास में, पीई ब्रेकेट वन कॉस थीटा टू माइनस कॉस थीटा वन, क्या यही था, नहीं, कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू, ये फॉर्मूला था हमारे पास, कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू, अच्छी बात है। देखिए पी क्या दिया हुआ है, बहुत ध्यान से देखो, तो डायपोल मोमेंट, तो डायपोल मोमेंट की जो वैल्यू है वो क्या है, पी की जो वैल्यू है, तो पी कितना दिया हुआ है, गिवन लिख लेंगे फटाफट, गिवन, और गिवन क्या है हमारे पास में, पी, और पी कितना है, 2 into 10 to the power 8 कूलम मीटर, ये वैल्यू हमको दी हुई है 2 into 10 to the power 8 कूलम मीटर, ये डायपोल मोमेंट है, और क्या है, इज टर्न फ्रॉम द पोजिशन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। बेटा एक थीटा वन हो गया, है ना,
और थीटा वन क्या है हमारे पास में अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की जब हम बात करें तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हमने पढ़ा था जब हमारे पास में इलेक्ट्रिक डायपोल बेसिकली क्या होता है 180 डिग्री टर्न होता है ना। जब इलेक्ट्रिक डायपोल को सपोज कीजिए वो जब स्टेबल इक्विलिब्रियम में था है ना, स्टैंड फ्रॉम द पोजिशन ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम टू स्टेबल इक्विलिब्रियम है ना, तो उसे थीटा वन की जो बात करिए तो उसे कहां पर था वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में, और कहां से कहां पर उसे लेकर के आया गया है स्टैंड फ्रॉम द पोजिशन ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम टू द स्टेबल इक्विलिब्रियम। अब स्टेबल इक्विलिब्रियम में लेके आया मतलब क्या, थीटा टू इज इक्वल टू कितना बेटा, जीरो है ना, ऐसे किया पहले ऐसा था फिर ऐसा लेकर क्या है, तो थीटा वन जो हमारे पास में वो कितना है 180 डिग्री और थीटा टू जो है वो कितना हो जाएगा जीरो डिग्री, क्योंकि स्टेबल इक्विलिब्रियम तभी आता है जब थीटा क्या होता है जीरो होता है। जब पूरा इस तरीके से लेकर के आए तो क्या पूरा इलेक्ट्रिक डायपोल जो है वो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज थीटा जीरो हो गया, तो ये हमारे पास में क्या आ जाएगा, कुछ नहीं इस क्वेश्चन में, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दी हुई है और ई की जो वैल्यू दी है वो कितनी दी है 10 to the power 3 न्यूटन पर कूलम्ब। करेंगे क्वेश्चन को, वर्क डन कितना आ जाएगा 2 × 10⁻³⁸ × e (e = 10⁻³ cos θ₁ और cos थीटा वन मीन्स cos 180 डिग्री माइनस cos 0 डिग्री है ना, आपको क्या मिलेगा, आपको क्या मिलेगा 2 × 10⁻⁸ देन 3 × 10⁻⁵ इंटू cos θ₁ दैट इज cos 180 की वैल्यू माइनस वन cos 0 की वैल्यू 1, तो ये माइनस वन और माइनस वन कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा। आपको जो फाइनल आंसर मिलेगा वो क्या मिलेगा, फाइनल आंसर क्या मिलेगा हमें 2 × 2 = 4 माइनस वाला 4 × 10⁻⁵ ये आंसर होगा आपका। एंड दैट वर्क डन हमेशा किसमें होता है, जूली में होता है, मीन जूल है ना। सो दिस इज योर आंसर -4 × 10⁻⁵ है ना। आई होप ये न्यूमेरिकल समझ में आएगा, बहुत इजी न्यूमेरिकल है। आगे एक और डेरिवेशन हम करेंगे टू फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल, पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे इसका मतलब क्या, जब इसे घुमाया गया है ना, आपने जब इसे घुमाया, जब इलेक्ट्रिक डायपोल को घुमाते हैं तो दोबारा वो अपनी इनिशियल पोजिशन में आने के लिए बेसिकली कोशिश करता है ना। तो जब उसे अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड घुमाया जाता है, वर्क डन किया जाता है, तो जब उसे छोड़ा जाएगा तो दोबारा किस में जाएगा, अपनी ओरिजिनल पोजीशन में जाएगा। तो जब उसे अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड घुमाया जाता है तो वो हम जो वर्क डन करते हैं वो वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में इलेक्ट्रिक डायपोल में स्टोर हो जाता है, उसी का डेरिवेशन हम लोग करेंगे आज। चलिए तो डेरिवेशन करते हैं, और डेरिवेशन क्या है हमारे पास में, टू फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी है ना, टू फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी इन रोटेटिंग फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल इन रोटेटिंग इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड तो ये डेरिवेशन है हमारे पास में। और बेसिकली जब हम बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी की, तो पोटेंशियल एनर्जी ठीक उसी तरीके से होगा, बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी इज द स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी, और वो वर्क डन से आती है। जैसे हम लोग बहुत नॉर्मल एग्जांपल 11th क्लास में लेते थे कि सपोज कीजिए मेरे पास में ये मार्कर है, इस मार्कर को अगर मैं एक हाइट पे लेकर के आऊं और उसे दोबारा छोड़ दूं
तो क्या इसके अंदर एक एनर्जी स्टोर हो जाती है, है ना, जिसे हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, बिकॉज वी आर वर्किंग, वी आर डूइंग द वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फील्ड, है ना, अगेंस्ट ग्रेविटेशनल एनर्जी वी आर वर्किंग. सो एट दैट टाइम व्हाट इज हैपनिंग, दैट वर्क डन, जो वर्क डन हम लोग कर रहे हैं अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फील्ड, वो वर्क डन किस फॉर्म में स्टोर हो जा रहा है स्पेन के अंदर, इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. तो सेम यहां पर भी जब रोटेट किया जाता है इलेक्ट्रिक डायपोल को, है ना, इलेक्ट्रिक डायपोल को जब रोटेट किया जाता है, क्या चीज, व्हेन देयर इज अ इलेक्ट्रिक, देयर इज एन इलेक्ट्रिक डायपोल, जब इलेक्ट्रिक डायपोल को रोटेट किया जाता है तो उसके अंदर भी एनर्जी स्टोर हो जाती है पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में, है ना. तो यहां पे हम लोग मान लेते हैं हमारे पास में एक डायपोल है, इस तरीके से ये डायपोल ले लिया, है ना, और इस डायपोल को जब इनिशियली इनिशियल कंडीशन में हमने रखा, है ना, तो वो इनिशियल कंडीशन या इनिशियल पोजीशन इसकी क्या थी, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री. अभी क्यों लिया इसको भी समझते हैं, है ना. तो यहां पे ऑब्वियस सी बात है, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इस डायरेक्शन में एफ इज इक्वल टू क्यू ही लगेगा, और इस डायरेक्शन में अगर माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है, तो इस डायरेक्शन में एफ इज इक्वल टू माइनस क्यू ही और काम करेगा. बेसिकली व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द डेफिनेशन, तो डेफिनेशन क्या है, दी पोटेंशियल एनर्जी, दी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज वर्क डन इन रोटेटिंग इज द वर्क डन इन रोटेटिंग द डायपोल फ्रॉम स्टैंडर्ड. ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रॉम स्टैंडर्ड पोजिशन टू फ्रॉम स्टैंडर्ड पोजिशन टू एनी अदर पोजिशन. बहुत ध्यान से सुनेंगे कि जो बुकिश डेफिनेशन है, जो बुक में लिखी हुई डेरिवेशन है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल, वो क्या है, वो ये है, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल इज बेसिकली द वर्क डन, कोई दिक्कत नहीं, इन रोटेटिंग द डायपोल फ्रॉम स्टैंडर्ड पोजिशन. ये जो वर्ड लिखा हुआ है ना स्टैंडर्ड पोजिशन, इसका मतलब क्या होता है वो समझे, स्टैंडर्ड पोजिशन. सो दिस इज द स्टैंडर्ड पोजिशन, वेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री फॉर इलेक्ट्रिक डायपोल, दिस कंडीशन इज कॉल्ड स्टैंडर्ड पोजिशन, तो इस पोजीशन से हटके किसी और पोजीशन पे अगर हम डायपोल को लेकर के आते हैं, इस पोजीशन से किसी दूसरी पोजीशन पे लेके जाते हैं, इस एंगल से किसी दूसरे एंगल पे लेके जाते हैं डायपोल को, तो वो एक एनर्जी स्टोर करता है और वो एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है ना. वो वर्क डन जो होता है उसे रोटेट करने में, वो पोटेंशियल एनर्जी फॉर्म में स्टोर होता है. तो यहां पे जो आपका बेसिकली मैं कहूं इनिशियल एंगल जो रहेगा वो क्या रहेगा, दैट इज योर थीटा वन, वो कितना रहेगा 90 डिग्री. तो हमें ऑब्वियसली बात है वर्क डन करना है, और वर्क डन जब हम करते हैं डायपोल को रोटेट करने में तो उसका फॉर्मूला हमें पता है हमारे लिए, वो क्या होता है, पी कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास में, है ना, यही फॉर्मूला था. तो कॉस थीटा वन तो समझ में आ गया, थीटा वन हमारे पास में 90 डिग्री है, दैट इज पाई बाय टू 90 डिग्री, या इसे हम लिख सकते हैं और पाई बाय टू, है ना. तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा पीई कॉस 90 की अगर हम बात करें तो कॉस 90 कितना है, कॉस 90, थीटा वन इज व्हाट 90 और पाई बाय टू, तो यहां पे लिख रहे हैं हम लोग डायरेक्ट पाई बाय टू माइनस कॉस थीटा टू, थीटा टू लेटेस्ट से थीटा टू इज थीटा, कोई भी एंगल मैंने ले लिया दैट इज थीटा टू इज इक्वल टू थीटा, तो थीटा टू को मैंने लिख दिया
थीटा। तो फाइनली जो वैल्यू निकल के आएगी वो क्या निकल के आएगी, पी कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 90 की वैल्यू होती है जीरो। कॉस 90 की वैल्यू अगर जीरो हो गई तो बचा क्या हमारे पास में, माइनस कॉस थीटा। तो माइनस कॉस थीटा हमारे पास में बचा। और अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो वो वर्क डन क्या निकल गया, माइनस पीई कॉस थीटा। और यही तो क्या है, यही तो पोटेंशियल एनर्जी होगी इस इलेक्ट्रिक डायपोल की। अब कुछ केसेस बनते हैं बच्चों, उन केसेस की हम लोग बात कर लेते हैं, है ना। और हमें पता है कि वो केसेस क्या बनते हैं, केसेस बनते हैं एंगल के हिसाब से। क्या एंगल, तो क्या बोलेंगे इसे, लेटेस्ट से अगर हमारे पास में थीटा जीरो है ना, ये जो थीटा निकल के आया, ये थीटा अगर जीरो है, अगर थीटा जीरो है इसका मतलब कि जो डायपोल है वो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, जिसे हम स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन भी बोलते हैं, है ना, स्टेबल इक्विलिब्रियम। भाई एंगल देख के ही आप बता पाओगे कि वो स्टेबल है कि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में। तो यहाँ पे थीटा अगर जीरो है इसका मतलब स्टेबल इक्विलिब्रियम में, मतलब कि डायपोल अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो यहाँ पे अगर वैल्यू में, अगर इस फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे तो माइनस पीई कॉस जीरो, और कॉस जीरो की वैल्यू होती वन, तो हमारा जो पोटेंशियल एनर्जी निकल के आई वो माइनस पीई निकल के आई। क्या निकल के आई, माइनस पी। बच्चों ये पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। क्या कहलाती है, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, सबसे कम पोटेंशियल एनर्जी इसी टाइम पर रहती है। आ जाएंगे अब हम, जब देखते हैं कि थीटा जो होता है हमारे पास में, क्यों हम यहां से पता चलेगा कि क्यों हम लेते हैं थीटा, या क्यों हम स्टैंडर्ड पोजीशन को 90 डिग्री क्यों लेते हैं, ये स्टैंडर्ड पोजीशन की बात क्यों करी जाती है, क्यों स्टैंडर्ड पोजीशन को पाई बाय 2 लिया जाता है, उसको देखते हैं, वो यहां से क्लियर होगा। केस 2 की हम लोग बात करें, केस 2, और केस 2 हमने मान लिया कि जो थीटा है हमारे पास में वो थीटा है 90 डिग्री। थीटा क्या है, 90 डिग्री। तो थीटा अगर 90 डिग्री है इसका मतलब कि ये परपेंडिकुलर हो गया डायपोल, बहुत अच्छी बात है। थीटा अगर 90 होगा तो फॉर्मूला जो हमारे पास में है पोटेंशियल एनर्जी का, उसमें अगर हम वैल्यू रखें तो माइनस पी कॉस थीटा, मतलब कॉस 90 डिग्री। और कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है बच्चा, कॉस 90 की वैल्यू होती है जीरो। तो क्या पोटेंशियल एनर्जी हो गई जीरो, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई जीरो। तो ये स्टैंडर्ड पोजीशन इसलिए कहलाती है क्योंकि हम एक ऐसी पोजीशन को इनिशियली रखना चाहते हैं या बताना चाहते हैं जब, या ऐसा ऐसी इनिशियल पोजीशन लेना चाहते हैं जब पोटेंशियल एनर्जी जीरो, इस डायपोल की पोटेंशियल एनर्जी जीरो, तभी तो हम निकाल पाएंगे कि उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। भाई अगर कोई चीज है वो अगर पहले से ही जमीन पे पड़ी हुई है, यहाँ पे ये नीचे पड़ा हुआ है, उस करो ये जो मार्कर है नीचे पड़ा हुआ है, इसका कोई पोटेंशियल एनर्जी होगा क्या, नहीं, जीरो पोटेंशियल एनर्जी। जब इसे उठाएंगे या वर्क डन करेंगे तभी तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी आएगी। तो वो जो इनिशियल पोजीशन है ना डायपोल के केस में, वो 90 डिग्री इसलिए ली गई क्योंकि वो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कितनी आती है, जीरो आती है। यहां से समझ में आ रहा है वो कब आती है जीरो, जब थीटा कितना होता है 90 डिग्री का, इसलिए स्टैंडर्ड पोजीशन को 90 डिग्री या पाई बाय 2 लेते हैं। अब बात करते हैं थर्ड केस की, है ना, बात करते हैं थर्ड केस की। तो थर्ड केस क्या है हमारे पास में, केस 3। और केस 3 क्या है, जब आप थीटा कितना ले लो, थीटा आप ले लो 180 डिग्री। थीटा कितना ले लिया, 180 डिग्री। तो थीटा अब आपका 180 डिग्री है, थीटा 180 डिग्री है, फॉर्मूले में वैल्यू रखते हैं यू इज इक्वल टू माइनस पी कॉस 180 डिग्री। तो कॉस 180 की वैल्यू कितनी होती है, -1। कॉस 180 की वैल्यू कितनी होती है, -1। तो माइनस पी इंटू -1 माइनस प्लस हो गया, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी निकल के आई, प्लस पी। बच्चों ये पोटेंशियल एनर्जी, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। क्या कहलाती है, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। इस टाइम पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है डायपोल की। और ये कंडीशन क्या कहलाती है, थीटा इज इक्वल टू 180, इसे हम बोलते हैं
अनस्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम अभी देखा था हमने, है ना, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के टाइम में। तो यहाँ पता होना चाहिए कि किसी डायपोल की, इलेक्ट्रिक डायपोल की पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम किस इक्विलिब्रियम में होती है, अनस्टेबल में होती है कि स्टेबल में होती है। तो पता होना चाहिए कि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में पोटेंशियल एनर्जी डायपोल की मैक्सिमम होती है और स्टेबल इक्विलिब्रियम में पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, मिनिमम होती है। पोटेंशियल एनर्जी जीरो कब होती है, डायपोल की जब थीटा आपके पास में 90 डिग्री हो या पाई बाय 2 हो, रेडियन में होगा पाई बाय 2, डिग्री में होगा तो 90 डिग्री, है ना। आई होप यहां तक चीज समझ में आई, है ना। तो दैट्स इट फॉर टुडे, है ना। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और भी न्यूमेरिकल करेंगे और नए टॉपिक्स लेंगे, जैसे हम लेंगे गॉस थ्योरम, फिर उसके बाद में गॉस थ्योरम और उसकी एप्लीकेशंस लेंगे शीट के लिए, और उसके बाद में आपके पास में और भी डेरिवेशंस हैं, है ना। तो वो सारे डेरिवेशंस हम लोग इन वीडियोस में देखेंगे, प्लस एनसीईआरटी न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे। तो आई होप आज जो वीडियो बनाया आपको समझ में आया होगा। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। ओके, गुड बाय एवरीवन, बाय बाय, सी यू।